गुड मॉर्निंग, कंप्यूटर पाठशाला सन्वसन में आपका स्वागत है। तो आज का मेरा लाइव है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक लेटर को 10 लेटर कैसे बनाते हैं, अलग अलग नेम, अलग अलग पता, अलग अलग क्लास, अलग अलग बैच के नाम से, या अलग ईमेल आईडी के नाम से हो, या अलग मोबाइल नंबर से हो, एक ही एप्लीकेशन को 10 बॉयज को मुझे अलग नेम पता से निकालना होगा तो कैसे करते हैं, आइए हम आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे बताते हैं। देखिए यह हमारा कंप्यूटर स्क्रीन है, तो सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलना पड़ता है। तो विंडोज आप दबाइए और क्यूएन वर्ड टाइप कर दीजिए और ओके कर दीजिए, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट पेज ऐसा खुलता है। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि एक एप्लीकेशन को 10 एप्लीकेशन अलग नेम से, अलग पता से, अलग बैच निकालना है तो हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले आपको माइंड में बैठाना है कि जितने व्यक्ति को या जितने विद्यार्थी को या जितने एम्प्लॉयर को आपको अलग नेम से उसका एप्लीकेशन निकालना चाहते हैं, तो पहले आप टेबल रिकॉर्ड कर लीजिए उसका नेम से। आइए पहले हम टेबल बनाते हैं। इंसर्ट टैब में जाएंगे, टेबल ग्रुप में जाएंगे, इंसर्ट टेबल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम 5 और 7 को बनाते हैं, ठीक है, और ओके पे क्लिक कर देंगे। देखिए ये मेरा टेबल बॉक्स तैयार हो गया, यहाँ से आप पकड़कर साइज को बढ़ा कर सकते हैं, यहाँ से साइड इधर कर लीजिए। तो अब ये जो आपको टेबल दिखे इधर है, आपको हेडिंग देना होगा। चलिए हम लिखते हैं नेम, फादर, कोर्स, बैच, मोहन के आर, ध्यान दें कि आपको पहले डाटा एंट्री जो है एक एक ऐसे आपको टाइपिंग कर लेना है। अब देखिए ये मेरा बच्चा कितने एंट्री हुआ, 1 2 3 4 5 6, इसे ज़्यादा लेना चाहते हैं तो आपके कीबोर्ड में टैब बटन होता है उसको प्रेस कीजिएगा तो अगला सेल बन जाएगा, जिसे आप यहाँ पर नाम टाइप कर सकते हैं। अगला सेल बनाना होगा तो हम टैब की दबाएंगे, फिर एक मैसेज निर्माण हो जाएगा। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं राजू किया और इसके पिता के नाम लिख देते हैं सोना सिंह और वर्ड एबेज टाइमिंग 9 AM, ठीक है। तो ऐसे हम टेबल तैयार करेंगे, जितने भी बच्चे का हमें एप्लीकेशन लिखना होगा ऐसे लिस्ट तैयार करेंगे। तो पहले हम इस टेबल जो बन गया है इसको नाम को पहले एक अलग फाइल से तैयार करते हैं, यानी ये फाइल जो डॉक्यूमेंट है इसको सेव कर लीजिए। फाइल मेनू में जाइएगा और सेव पर क्लिक कीजिएगा। ये हमेशा ध्यान देना है कि जो हम डॉक्यूमेंट सेव करते हैं वो कहाँ सेव करें, डेस्कटॉप पर, माई डॉक्यूमेंट, माई कंप्यूटर, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं नेम टेबल ST, मेरा फाइल का नाम क्या हो गया नेम टेबल ST, और यहाँ पर सेव पर क्लिक करते हैं। तो ऐसा पहले हम टेबल को रिकॉर्ड करते हैं। अब अगली स्टेप है, आपको कहीं जाना नहीं, ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देख लीजिए, आपको एक एप्लीकेशन को 10 एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं ये सारा आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना होगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पर क्लिक करना होगा और न्यू डॉक्यूमेंट ले लेना होगा, यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट, यहाँ पर क्रिएट, एक न्यू पेज निर्माण। अब यहाँ पर हमें एक एप्लीकेशन लिखना होगा। अब इस पेज पर हमें किस प्रकार का एप्लीकेशन देना चाहते हैं, छुट्टी पर लिखना है या आपको सर्टिफिकेट लेना है या TC लेना है या आपको एडमिशन में फी कम करवाना है या किसी प्रकार का आपका डॉक्यूमेंट गुम हो गया और डॉक्यूमेंट निकलवाना है उसके लिए एप्लीकेशन लिखना है, तो पहले आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट पेज पर एक लेटर लिख दीजिए।
सेटअपो एप्लीकेशन ऐसा लिखा और ये एप्लीकेशन को जहाँ रखना चाहते हैं टैब की से दबाकर और ये इसको पकड़ कर सेलेक्ट करके यहाँ से अरेंज कर दीजिए। साइज को बड़ा करना चाहते हैं तो आप फॉन्ट साइज बड़ा कर दीजिए और लाइन स्पेस में पैराग्राफ जाकर नो रिमूव कर दीजिए, ध्यान दीजिएगा। तो ये मेरा एप्लीकेशन लिखा गया एक सर्टिफिकेट पर। तो ऐसे आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा, तो एक एप्लीकेशन लिखने के बाद आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। क्लिक कीजिए यहाँ पर, प्रिंट पर जाइए, आप यहाँ से प्रिंट एक एप्लीकेशन हो तो निकाल सकते हैं। लेकिन यही एप्लीकेशन हमें 10 विद्यार्थी को निकालना है और ये जो नेम दिखाई दे रहा है अलग अलग नेम से अलग अलग एड्रेस तक, उसके लिए हमें क्या करना वो अब हमें सीखना है। तो पहले आप टेबल को रिकॉर्ड कीजिए, उसके बाद न्यू पेज लीजिए और एक एप्लीकेशन तैयार कीजिए, जो एप्लीकेशन आप 10 व्यक्ति के नाम से या 10 विद्यार्थी के नाम से निकालना चाहते हैं। तो आइए हम आपको अगला स्टेप बताते हैं। तो अब मुझे क्या करना होगा कि यही एप्लीकेशन को 10 विद्यार्थी को यदि देना है या प्रिंट निकालना अलग अलग पर, तो उसके लिए हमें मेल मर्ज का प्रयोग करना। कैसे करते हैं, आपको ये कर्सर सबसे नीचे लेकर आ जाना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और मेलिंग्स में चले जाना है, स्टार्ट मेल मर्ज पर क्लिक करना होगा। अब ध्यान दीजिए, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स खुलता है जिसमें आपको मेल मर्ज होता है, तो यहाँ पर हमें लेटेस्ट सेलेक्ट कर लेना होगा। नेक्स्ट पर आ जाएंगे, यहाँ पर नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट पर क्लिक कीजिए। फिर दूसरा स्टेप है नेक्स्ट सेलेक्ट रिसिपिएंट पर क्लिक करना होगा। अब आपको यहाँ पर एक ब्राउज़र खुलता है, इसी में ध्यान दीजिएगा, कहीं जाना नहीं है आपको, ब्राउज़र पर क्लिक करना होगा। तो एक बॉक्स खुलता है, अब यहाँ ये समझना है कि जो हम टेबल को सेव किए हैं वो टेबल फाइल हमें कहाँ रखे हैं, आपको तो याद है। तो चलिए हमें डॉक्यूमेंट में रखे थे, और किस नेम में से रखे थे, हम उस टेबल को सर्च करेंगे, नेम टेबल एसटी डॉक्यूमेंट, इस नाम से था मेरा, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे फाइल को, इतना समझ में आ गया। और ओपन पर क्लिक कर देंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक बॉक्स खुला। तो जितने नेम का आप बनाए थे, आप ध्यान दे लीजिए कि इतना ही नेम था ना मेरा, मोहन रखे सीता, ऐसे करके आप स्क्रॉल और बस ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जितना मेरा नेम है इसमें आ गया, आप यहाँ टिक कीजिएगा तो सारा टिक हो जाएगा, और इस टिक पर क्लिक कर दीजिएगा तो ये नाइन का जो निशान है सही के निशान ये हट जाता है। तो आपको क्या करना है कि पूरी टिक लगा लेना होगा और सबको आपको नेम यहाँ पर देख लेना, जिसको नहीं चाहिए तो वहाँ सबको हटा देना है, चाहिए तो उस पर क्लिक कर देना होगा। ये तो समझ में आ गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है कि ओके पर क्लिक करना होगा, यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगला स्टेप है हमें फिर पुनः वहीं में जाना होगा, यहाँ पर नेक्स्ट राइट योर लेटर पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ मोर आइटम्स का एक ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा मोर आइटम्स ऑप्शन, ध्यान दीजिएगा। एक भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है, जिसका कारण आप एक स्टेप मिस कीजिएगा तो आप एक एप्लीकेशन को 10 एप्लीकेशन कभी भी तैयार नहीं कर सकते और मेल मर्ज समझ में भी नहीं आ पाएगा। देखिए तो हमारा जो टेबल था उसका हेडिंग क्या था, आपको याद होना चाहिए, नेम फादर कोर्स बैच टाइम, यहाँ पर एक एक को इंसर्ट कर लेना होगा, ध्यान दीजिएगा हम एक एक इंसर्ट करते हैं, यहाँ पर क्लोज पर क्लिक करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला आपका ये बीच में जो बना हुआ यहाँ पर कर्सर पॉइंट लगा एंटर मार दीजिएगा बीचों बीच, ठीक है एंटर कर दिया। अब यहाँ पाइए ये जो नेम है, इस नेम को क्या करना है कि थोड़ा सा एडजस्ट इधर कर लीजिए, आप समझ गए। और यहाँ पर योर फाइट फुली एक आदमी के नाम है रखा हुआ है, तो उसको दिखाने के लिए हम छोड़ देते हैं ताकि आप यहाँ पर सारा नाम एक एक और लगा जाए, उसको बाद में आपको हटाना हम भी बता देंगे, पहले इतना हमें समझना है। तो हम अलग अलग नेम कर दिए, अब यहाँ नेम के सामने आप नेम टाइप कर दीजिए, हमेशा याद रखना होगा, क्यों, क्योंकि नेम नहीं टाइप कीजिएगा तो आपको यहाँ ये नहीं दिखाई देगा, यहाँ पर तो आपको नाम आ जाएगा, इसे हमें पहले करना है, कहाँ यहाँ पर नेम कर दीजिए, ठीक है चलिए। और यहाँ पर नेम के बाद में क्या था आपका टेबल में याद है, फादर,
फादर टाइप कर दीजिए, यहाँ पर कोच टाइप कर दीजिए, ये मेरा टाइप हो गया। हम क्यों टाइप किए ये आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पता नाम आ जाएगा, सामने पता नहीं चल जाएगा कि नाम कौन है, फादर कौन है, कोच कौन है। यहाँ पर देखिए जो मीनिंग है थोड़ा सा आपको गलत है, उसको सुधार कर लेना होगा, टाइप करने में मिस्टेक हो जाता है। चलिए ईमेल आ गया, अब मुझे क्या करना है, अगली स्टेप समझते हैं। यहाँ पर आपको जाना है प्रीव्यू लेटर पर, ठीक है। तो देखिए हमारा ये सारा डिटेल्स आ गया, नेम कालीकांत महेश, कोस्टैली बैचे, टाइमिंग टोटल देखना है। तो यहाँ पर कंप्लीट द मर्ज पर क्लिक कर देंगे, एडिट द इंडिविजुअल पर क्लिक कर देंगे, यहाँ ऑल पर क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे। देखिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, वही एप्लीकेशन आपका, ये तो हम आपको हटा के दिखाए नहीं थे, बस समझ गए, ये हटा देते तो यहाँ पर यूनिफाइड फुली हो जाता और सारा ये आ जाएगा। इतना समझ में आ रहा है, मेरा एक एप्लीकेशन हो गया मोहन कुमार के नाम से, ये स्क्रॉल बार या यहाँ से भी आप नीचे करके देख सकते हैं कि दूसरा नाम से। देखिए ये आ गया क्या, राकेश के नाम से आ गया, यहाँ से माउस के भी स्क्रॉल बार से पकड़ के देख सकते हैं, सीता के नाम से आ गया और कालीकांत के नाम से आ गया। ऐसे करके एक हम एप्लीकेशन 10 नाम से तैयार करते हैं। यदि आपको एक ही एप्लीकेशन 10 नाम से या 10 एम्प्लॉय से या 10 विद्यार्थी से अलग अलग पता पर तैयार करना समझ में आ गया हो, जो आपको नहीं समझ में आता वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, आपको अलग से वीडियो बना के लाएंगे। नेक्स्ट लाइव में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।